असफलता से ऐसे निपटती हैं वाणी। नशे से चढ़ गई गर्ल वाणी कपूर काफ़ी लंबे समय से अपने करियर के उतार चढ़ाव को देख रही हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वाणी कपूर ने अपने करियर में कई सारे संघर्ष को देखा हुआ है। भले ही उन्होंने अपनी शुरुआत में शुद्ध देसी रोमांस जैसी हिट फिल्म दी, लेकिन उनके करियर में असफलताएं भी आई और इन असफलताओं से निपटने के उनके तरीके ने उन्हें ना सिर्फ एक सफल अभिनेत्री बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व भी बनाया है। असफलता को करें स्वीकार। वाणी का मानना है कि असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कहती हैं, असफलता से घबराने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। वाणी के अनुसार असफलता केवल एक शब्द है जिसे हम अपने दृष्टिकोण से ताकत में बदल सकते हैं। वाणी का योगा मंत्र। वाणी अपनी असफलताओं से निपटने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेती हैं। वह कहती हैं, योग और ध्यान से मुझे शांति मिलती है जिससे मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर पाती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं असफल हो रही हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि यह केवल एक चरण है और इससे निकलने के लिए मुझे अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। इसके अलावा वाणी का कहना है कि असफलता से निपटने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वह कहती हैं, कई बार हमें अपनी असफलताओं की वजह से खुद पर शक होने लगता है, लेकिन ऐसे समय में हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाणी अपने प्रशंसकों और युवाओं को संदेश देती हैं कि असफलता से डरने के बजाय उससे एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हम अगले प्रयास के लिए और भी ज़्यादा अधिक मजबूत बनाती है। असफलता को बदलें सफलता में। वाणी कपूर ने साबित कर दिया है कि असफलता से निपटना भी एक कला होती है जिसे हर किसी को ज़रूर सीखना चाहिए। उनके इस ओपिनियन ने उन्हें बॉलीवुड में एक खास मुकाम दिलाया है और वह आज भी अपने करियर में नित नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। उनकी यह सोच और दृष्टिकोण न केवल उनके करियर को नई दिशा दे रही है बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मकता भी लाती है। वाणी कपूर सचमुच एक प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने असफलता को सफलता में बदलने का हुनर बखूबी सीख लिया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।